हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज के एक ही दिन में मैंने आज बहुत सारे काम निपटा लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बताते हैं कि आज मैंने कौन कौन से काम निपटाए। तो यहाँ पर आप ये प्याज देख रहे हैं, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। तकरीबन ये 1 किलो प्याज है और इसमें मैंने लहसुन और अदरक डाला। अदरक के 3 टुकड़े 1-1 इंच के डाले और साथ ही डाला मैंने हरी मिर्च और 5 टमाटर। इन सबको मैंने रफली चॉप करके डाल दिया था और इनमें डाला था मैंने आधा ग्लास पानी और 1 चम्मच नमक और इसको मैंने विसल दिलाने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय के लिए मसाला, जो मेरा ख़त्म हो चुका था। तो इसमें मैंने डाला तकरीबन 1.5 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच लौंग, 1 चम्मच छोटी इलायची, 4 से 5 बड़ी इलायची और तुलसी के फूल, और साथ में डाला 1 चम्मच के करीब काली मिर्च। और इन सबको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट होने दिया। जब और साथ ही मैंने जिंजर पाउडर था जो मैंने उसमें मिक्स ना करके मैंने डब्बी में स्ट्रेट अवे डाला, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका हल्का सा रंग चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ये भून चुका है और मैंने गैस बंद कर दी है और इसको निकाल लिया एक प्लेट के अंदर। और इसी के अंदर मैंने डाला है तकरीबन 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और उसको भी भून के सीधा मैंने मिक्सी में डाल के इन सबको एक साथ ही पीस लिया। और जो मैंने इसके अंदर जिंजर का पाउडर डाला था उसी के अंदर मैं इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। लीजिए, मेरी चाय मसाला बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे जो हमने कुकर में प्याज टमाटर और सब मिक्स करके उबालने रखा था वो उबल चुके थे, और उबलने के बाद मेरे को याद नहीं रहा वीडियो ऑन करना, तो मैंने उनको पीस के रख लिया था। और यहाँ पे ली मैंने कढ़ाई, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल ऐड करके जो पिसा हुआ मसाला था, मेरा पेस्ट जो बना हुआ था, उसको इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसको अब हम तब तक पका लेंगे जब तक इसका तेल इससे अलग ना हो जाए। तो यहाँ पर मसाले से थोड़ा तेल अलग हो गया है मगर अभी तक पूरा पका नहीं है, तो इसको और थोड़ी देर टाइम लगेगा पकने में। और ये देखिए यहाँ इसमें कितना पानी अभी भी है, तो चलिए इसको पकने देते हैं थोड़ी देर और। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसको हम ठंडा करके भर लेंगे डब्बे के अंदर और फ्रिज में रख देंगे। और ये मसाला आपके 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आ गई थी बैकयार्ड में अपने घर के, और वहाँ पे मैंने ये अलमारी रखी थी जो मैंने पिछले साल बनवाई थी और आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको इसके दर्शन करवा ही देती हूँ। तो ये अलमारी मैंने बनवाई थी बची हुई लक्कड़ से। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, पिछले साल मेरे घर में एक रूम बना था आगे किचन की तरफ, तो उसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ हुई थी, तो उसमें से कुछ लक्कड़ बच गई थी हमारे पास जो मैंने दरवाजे के लिए मंगवाई थी। बस उसी में से बची हुई लक्कड़ से मैंने अलमारी बनवा ली थी बाद में। और इसके अंदर मैंने रखा था तकरीबन अपना सारा DIY का सामान, मगर DIY के सामान के साथ साथ काफ़ी कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती चली गई और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर के काम और अपनी तबीयत ना ठीक होने से और घर में 2-3 शादियां होने के करके मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। तो चलिए आज मैं बैठी हूँ इसको देखने के लिए इसमें क्या सामान पड़ा है और क्या नहीं। तो यहाँ पर ये मेरे टेबल मैट्स हैं पुराने वाले, मतलब कि पहली टेबल पे मैंने ये वाले मैट्स बिछाए हुए थे, तो मैंने इनको संभाल के रख दिया था। वैसे बुरी कंडीशन में नहीं है, 1-2 ही हैं जो फट गए हैं। और ये हैं मेरी पुरानी होली के कपड़े, मतलब कि इसी साल की होली जो आई थी उस पे पहने थे हमने कपड़े, तो मैंने इनको भी ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि बार बार बेकार के कपड़े हम कहाँ से लेके आएंगे भाई, हर बार कपड़े तो पुराने नहीं होते। तो मैंने इनको रख दिया था कि चलो इस होली पे अगली होली पे काम आ जाएंगे, तो इन्हीं को धोल के मैं पहन लूँगी। और यहाँ पे ये रंगोली मैट्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर लिए थे, और ये कुछ कवर मतलब कि पेपर टाइप स्टिकर टाइप जो आप लोगों को पता ही होगा, वाटरप्रूफ स्टिकर इसको कहते हैं, जो बचा हुआ था मेरे पास जो मैंने मंगवाया था
तकरीबन 8 से 9 महीने पहले, और ये ऐसे ही रह गया था, काम नहीं आया था। मैंने मंगवाया एक्चुअली अपने शू कबर्ड के लिए था, मगर वहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि उस अलमारी की भी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने इनको ऐसे ही रख दिया और सोचा कि चलो कहीं और काम आ जाएगा। तो लीजिए, आज इनकी बारी आ गई है, तो देखिए मैं इनको कहाँ पे क्या यूज़ करती हूँ। तो चलिए अब इसको सारा सामान निकाल लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं इस अलमारी को। और यहाँ पर मुझे इसका सामान निकालते निकालते ही तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया। पता नहीं क्या क्या बच्चों ने डाल के रखा था इस अलमारी में। और यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी मेरे पास और कहने लगी कि मम्मी बस करो, अब मैं कर देती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे वो अपना आइडिया बता रही थी कि इस पेपर को हम कैसे चिपकाएंगे। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि नहीं, इसको ऐसे नहीं चिपकाना, इसको ऐसे चिपकाएंगे कि पीछे लगाने का कोई मतलब नहीं है। पीछे तो लक्कड़ लगी है, बस नीचे जो स्लैब्स वाली लकड़ हैं जिन पे स्लैब्स पे जिस पे हम सामान रखेंगे, उस लकड़ को साफ़ रखने का मकसद है हमारा, जिससे मिट्टी ना जमे, क्योंकि काफ़ी मिट्टी निकली है आज इन अलमारी में से। चलिए बाकी सब पे भी हम इसको चिपका लेते हैं। यहाँ पर मेरे लिए आ गई थी चाय, मेरे हस्बैंड बना के ले दे गए थे मुझे। और यहाँ पे जो कप शीट थी पूरी की पूरी 3 मीटर के तकरीबन इस अलमारी में लग गई। बस एक ही जगह पे थोड़ा सा हल्का सा जॉइंट देना पड़ा सेकंड वाले पे, बाकी सब पे फर्स्ट क्लास फिट हो गया। और यहाँ पे ये डब्बा जो है मेरी बेटी को दिवाली गिफ्ट मिला था ऑफिस से, इसमें थोड़ा बहुत सामान था जो उसको मिला था। तो ये डब्बा बहुत अच्छा था और अच्छा बड़ा था, तो मैंने इसमें अपना जितना भी DIY का सामान था जो इधर उधर फैला हुआ था सब मैंने इसके अंदर फटाफट लगा लिया। और सही मायने बहुत ही अच्छा रहा, इसमें मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई। वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें मैं सामान रख लूँ, और देखिए मेरे लिए तो बना बनाया डब्बा आ गया और मैंने फटाफट सब कुछ लगा दिया इसके अंदर।
देखा आप लोगों ने कितना कुछ आ गया इसके अंदर। और ये है फेविक्रिल मोल्ड्स जो मैंने अपने DIY दूसरे DIY के लिए लेके रखे हैं। बस बाकी का सामान भी आता ही होगा और उसके बाद मैं अपना DIY शुरू करूँगी। और देखिए कितना सामान आ गया है इसमें। लीजिए मेरा सारा सामान सिमट गया है। बस ये जो आइटम्स हैं इसके लिए मेरे पास डब्बा और नहीं था, और ये वैसे भी बड़ी बड़ी आइटम्स थी तो इनके लिए डब्बे की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे ये मेरे को ट्रे एक मिली थी, प्लास्टिक की है, ये भी पता नहीं किस चीज़ की बनी है, मगर मुझे इसमें भी गिफ्ट मिला था तो मैंने इसको भी संभाल लिया। तो कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे काम आ ही जाती है। तो बाकी के सामान मैंने फटाफट इसके अंदर लगा दिए जिससे ये भी बिखरे नहीं। तो यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी रिंग का बचा हुआ पीस है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैंने एक ट्रे बनाई थी ग्लास वाली दिवाली पे, बस उसी के अंदर का रिंग ये बचा हुआ था। बस इसको भी कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेंगे। मैं वैसे भी कोई भी चीज़ इतनी आसानी से फेंकती नहीं हूँ, मतलब कि कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है, फिर हमें परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए मैं मोस्टली सब चीज़ें संभाल के रखती हूँ जो हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं। और यहाँ पर ये एक मैट है जो दिवाली पे आया था तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। तो अब मैं इसको अच्छी तरह लपेट के अच्छी तरह रखूँगी कि जिससे ये मैला ना हो सके। तो यहाँ पर मेरे पास जेप्टो के काफ़ी कवर पड़े हुए हैं तो उसी के अंदर मैंने इसको संभाल के रख दिया जिससे इसके अंदर मिट्टी धूल नहीं पड़ पाएगी। और ये वही वाइट सीमेंट पुट्टी है जो मैंने DIY में यूज़ की थी अपने, और इसको मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मेरे पास अभी डब्बा नहीं है। और ये है डिटॉक्स के फुट पैच जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, यूज़ करने पे आप लोगों को बताऊँगी ये कैसे निकले और क्या चीज़ है ये। और यहाँ पर मैं ये पुराने जेप्टो के कवर्स जो मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़े थे और साथ में न्यूज़पेपर्स, बस इन्हीं को संभाल रही थी, बड़े से कैरी बैग में डाल के रख दूँगी। और ये हैं कुछ रैक्स जो स्टैंड रैक्स जो मैंने मुझे गिफ्ट में मिले थे तो मैंने इनको संभाल लिया था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में लग जाएंगे और गिफ्ट देने के काम आते हैं। और यहाँ पे ये एक जीन्स थी मेरी बेटी की जो फट गई थी, मैंने उसको भी संभाल ली थी, किसी ना किसी DIY में काम आ जाएगी। और यहाँ पर ये थोड़े से रंगोली के कलर्स थे जो इस साल भी बच गए, जो मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, मैं और एक बैग में डाल के रख दिया जिससे गिरे नहीं। और यहाँ पर ये शू का डब्बा है मेरे बेटे का जो उसने फेंकने नहीं दिया मुझे। और मेरी अलमारी ऑलमोस्ट सारी क्लीन हो गई है, और अलमारी के ऊपर मैंने एक शीट बिछाई है जो मेरे एक पर्दे में से निकली हुई थी। और ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।